कोई वरदान मांग। बुढ़िया माई बोली, मन तो कुछ मांगने को नहीं आवे, तो मैं क्या मांगू? का कोई बात नहीं, एक दिन को दिन देऊं तने, सोच ले समझ ले सारा सब पूछ ले, फिर मैंने बता दिए। बुढ़िया माई अपनी बहू ने बोली, बहू मन तो गणेश जी खुश हो रहा है, वह कभी वरदान मांग तो मैं क्या मांगू? बहू बोली, मम्मी जी अपना तो पोतो मांग लो थे। बुढ़िया माई बेटा ने पूछो, को बेटा मन गणेश जी महाराज कभी वरदान मांग तो मैं क्या मांगू? बेटा बोले, माँ धन मांग ले। बुढ़िया माई सोचो, को बेटा बहू तो अपनी अपनी सोचा, मैं अपने क्यों करूँ? मैं अपने पड़ोसन से जाकर पूछूंगी। पड़ोसन बोली क्यों तू बेटो मांगे, क्यों तू पोतो मांगे, क्यों तू धन मांगे, तू अपना दीदा गुड्डा मांग, थोड़ी सी जिंदगी ढंग से जी। घर आकर बुढ़िया माई सोची, कह लै मैं तो अगर बेटा बहू मांगी नहीं करूंगी तो बेटा बहू नाराज हो जाएगा। सही है। जाकर गणेश जी महाराज दूसरे दिन आया, कह हाँ बुढ़िया माई सोच लियो वरदान मांग। बुढ़िया माई बोली कि मन मांगना तो कोनी आवे, बस इतना ही मांगू, दीदा दे गोडा दे सोना का कटोरा, मैं पोता न दूध पियाऊं इसो वरदान दे दे। गणेश जी महाराज सोचा, बुढ़िया माई मैं तो ना एक वरदान मांगने कहे थे, तन तो सारा कुछ ही मांग लियो, पर कोई बात नहीं, तेरे यहाँ ही हो जाओ। गणेश जी महाराज वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया, बुढ़िया माई का सारा कुछ हो गया। हे बुढ़िया माई जी, सो हे गणेश जी महाराज, सो बुढ़िया माई ने दी सो सारा ने दिया। सुनता हूँ मेरा परिवार।